इन तारों की तरह हम सब में आग होती है। कई चिराग बनकर दुनिया को रोशन करती है या फिर जंगल की आग बन के रास्ते को जला कर राख कर देती है। मराठी फिल्म बॉयज 4 देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉय श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्या, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज 4 के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन
की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है, जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश के कर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है, वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच, ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण दस नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है, जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है, जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है, तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है, जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से बड़ी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉय श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य,
दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है, जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है, वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच, ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कवि एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्ते अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है, जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है, जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत
लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज 4 देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबसे बड़ी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉयज श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्या, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज 4 के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज 4 विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज 4 में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है क्योंकि
पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है। 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है और बॉयज 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावना के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज 4 देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबसे बड़ी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉयज श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज 4 के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमंत शिंदे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज 4 विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किलकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है
और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है। हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अफसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉयज श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वही से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन
वोनवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है, जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है, वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है, जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है, जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है, जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है, तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है, जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देवरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉयज श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च
प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्या, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है, जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश के कर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है, वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच, ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण दस नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर
गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबसे बड़ी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉय श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज 4 के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज 4 विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज 4 में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है। हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज 4 अपने
पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सर को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉय श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज 4 देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉय श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज 4 के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज 4
विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किलकेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है, वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच, ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है। हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है, जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है, जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावना के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है, तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है, जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉयज श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है।
बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में।
बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉय श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्या, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन शिंदे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का
आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉयज श्रृंखला की चौथी किस्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश के कर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये
वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है। हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अफसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबसे बड़ी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉय श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का
संगीत। हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है, जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है, वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच, ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है। हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है, जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है, जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है, तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है, जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉयज श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य,
दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है, जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है, वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है, जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है, जो दोस्ती के
स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावना के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज 4 देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबसे बड़ी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉय श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज 4 के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमंत शिंदे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज 4 विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किलकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज 4 में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं जो प्रतिकूल प्रतिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है। हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज 4 अपने
पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के स्तर को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्यधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज 4 देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉयज श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज 4 के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज 4
विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है, वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच, ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है। हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चालक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है, जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है, जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है, तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है, जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉयज श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है।
बॉयज़ फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश के कर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में।
बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबसे बड़ी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉय श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कवि एक चूक गया अवसर है क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लागत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का
आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन, डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है और बॉयज़ फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉय श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबसे बड़ी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉय श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्या, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किलकेकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक
अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है। हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावना के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉयज श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने के दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है।
अद्भुत गुप्ते का संगीत। हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है, जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश किलकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है। हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है, वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है, जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है। हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अफसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है, जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है, जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है, तो बॉयज फोर देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज फोर देखने से पहले यहाँ जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज फोर लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है, जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉयज श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज फोर एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज फोर वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धैर्य,
दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने स्कूल परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है, जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है, जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज फोर के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गणेश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है, जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है, जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज फोर विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है, जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है, जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज फोर में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है, वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं, जो प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलतापूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज फोर अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज फोर एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज फोर इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज फोर एक मनोरंजक मराठी फिल्म है, जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है, जो दोस्ती की
स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे। मराठी फिल्म बॉयज 4 देखने से पहले यह जान लीजिए फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी वो भी हिंदी में। बॉयज 4 लोकप्रिय मराठी फिल्म फ्रेंचाइजी का नवीनतम संयोजन एक रोमांचक साहसी कार्य प्रदान करता है जो हमें दोस्ती, हंसी और जीवन के सबक से भरी यात्रा पर ले जाता है। विशाल देबरुखकर द्वारा निर्देशित और ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखित इस फिल्म में प्रतीक लाड, पार्थ वालेराव, सुमंत शिंदे और गौरव मोरे जैसे कलाकार शामिल है। बॉय श्रृंखला की चौथी किश्त के रूप में फिल्म में कुछ बड़ी कमियां हैं और ये चुनौती से पीछे नहीं हटती है। उच्च प्रत्याशा और अपने पूर्ववर्तियों के अनुरूप कहानी पेश करने की दबाव के साथ बॉयज 4 एक और मनोरंजक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। बॉयज 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछली फिल्में रुकी थी। धरिया, दुंगिया और कबीर के जीवन पर आधारित है जिन्होंने स्कूल, परीक्षा और जीवन की चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता तय किया है। फिल्म दोस्ती, वफादारी और सपनों की खोज के विषयों की पड़ताल करती है जो लंदन में एक प्रफुल्लित करने वाले साहसिक कार्य की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भावना और आत्मनिरीक्षण के क्षणों के साथ स्वर हल्का फुल्का और मजेदार है जो इसे एक पारिवारिक के अनुकूल घड़ी बनाता है। बॉयज 4 के कलाकार उन पात्रों के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं जिन्हें हम जानते हैं और पसंद करते हैं। दंगिया के रूप में पार्थ वालेराव और धैर्य के रूप में प्रतीक लाड अपने किरदारों को आकर्षक और बुद्धि के साथ जीवंत करते हैं। सुमन सिंधे का कबीर का चित्रण प्रतिस्पर्धा और सौहार्द के बीच फंसे एक दोस्त के सार को दर्शाता है। अभिनय बेड़े कॉलेज के बदमाश कनाल के रूप में चमकते हैं और गौरव मोरे का नारू हास्य का एक तत्व जोड़ता है जो दर्शकों को बांधे रखता है। मदन वोणवे के रूप में गिरीश कुलकर्णी का कैमियो अपनी संक्षिप्तता के बावजूद प्रभावशाली है। गति में कुछ बाधाओं के बावजूद विशाल देवरुखकर का निर्देशन फिल्म की गति को बनाए रखता है। लंदन की सेटिंग को सिनेमाटोग्राफर योगेश एम कोहली ने खूबसूरती से कैद किया है जिससे दर्शकों को शहर के आकर्षण और जीवंतता का एहसास होता है। अवधूत गुप्ते का संगीत, हालांकि इस बार कोई बड़ा डांस हिट नहीं बन रहा है, लेकिन फिल्म के मूड को पर्याप्त रूप से पूरा करता है। सतीश गावली का प्रोडक्शन डिजाइन भारत और लंदन दोनों में एक प्रामाणिक माहौल बनाता है जो फिल्म की दृश्य अपील को बढ़ाता है। बॉयज 4 विशेष प्रभावों पर बहुत ही अधिक निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पात्र के बीच की केमिस्ट्री पर केंद्रित है। गुरुनाथ पाटिल और महेश केकर द्वारा संभाला गया संपादन विशेष रूप से पहले भाग में तेज हो सकता है जहां गति असमान लगती है। फिल्म की गति थोड़ी असंगत है, धीमी शुरुआत के कारण कहानी की स्थापित करने में समय लगता है, हालांकि दूसरे भाग में इसमें गति आती है और चौथा दीवार तोड़ने वाले चुटकुले एक आनंददायक जोड़ है। ऋषिकेश कोहली द्वारा लिखे गए संवाद दोहरे अर्थों से भरपूर है जो कुछ लोगों के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी संवेदनाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। बॉयज 4 में जो वास्तव में प्रतिध्वनि होता है वो दोस्ती का मुख्य विषय है। ये एक अनुस्मारक है जो जीवन की अराजकता और चुनौतियों के बीच ये वो बंधन है जो हम अपने दोस्तों के साथ सजा करते हैं जो प्रतिकूल प्रतिस्थितियों का सामना करने की ताकत प्रदान करते हैं। फिल्म युवा सौहार्द के सारे सार को सफलता पूर्वक दर्शाती है, हालांकि इसमें हास्य की खुराक और कुछ सबक भी शामिल है। बॉयज 4 अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, हालांकि ये फ्रेंचाइजी की दोस्ती के सार को बरकरार रखता है। कहानी थोड़ी फॉर्मूलाबद्ध लगता है और मेज पर कुछ भी नया नहीं लगता है। देशभक्ति और दोहरे अर्थ वाले संवादों पर अत्याधिक और कुछ दर्शकों को विमुख कर सकता है। एक असाधारण 10 नंबर की कभी
एक चूक गया अवसर है, क्योंकि पिछली किश्तें अपने यादगार संगीत के लिए भी जानी जाती थी। अनुमानित बजट रुपए से लेकर है 8 से 10 करोड़ की लगत वाली बॉयज 4 एक मनोरंजक सिनेमाई अनुभव प्रदान करने में सफल है। हॉलीवुड के मानकों के हिसाब से ब्लॉकबस्टर ना होते हुए भी ये बजट मराठी फिल्म निर्माण की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण है। फिल्म निर्माताओं ने एक जीवंत और प्रासंगिक कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए विवेक पूर्वक ढंग से अपने संसाधनों का आवंटन किया है। बजट में कलाकारों, चलक दल, उत्पादन डिजाइन, संगीत और फिल्म की अपील में योगदान देने वाले विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। ये दर्शाता है कि प्रभावशाली कहानी कहने के लिए हमेशा अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, और बॉयज 4 इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मराठी सिनेमा उचित वित्तीय बाधाओं के भीतर गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन प्रदान कर सकता है। अंत में बॉयज 4 एक मनोरंजक मराठी फिल्म है जो संभावत बॉयज श्रृंखला के प्रशंसकों को पसंद आएगी। हालांकि ये नई जमीन नहीं तोड़ता है, ये एक मजेदार और हल्की फुल्की यात्रा प्रदान करता है जो दोस्ती के स्थायी बंधन का जश्न मनाता है। प्रतिभाशाली कलाकारों और खूबसूरत लंदन पृष्ठभूमि के साथ फिल्म में हंसी और भावनाओं के क्षण है। हालांकि ये अपने पूर्ववर्तियों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सिनेमाई अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप बॉयज फ्रेंचाइजी के प्रशंसक है या बस एक सुखद पारिवारिक अनुकूल मूवी नाइट की तलाश में है तो बॉयज 4 देखने लायक है। बस रास्ते में कुछ चुटीले हास्य के लिए तैयार रहे।